वैसे आप लोग सोच ही रहे होंगे कि मैं हर बार इंदिरा भवन ही क्यों आता हूँ, क्योंकि ये मेन मार्केट है दोस्तों, यहाँ हमें सस्ते से सस्ता सामान मिल जाता है। उससे पहले हम अपना नॉट देख लेते हैं। कहाँ है भाई मेरा नॉट? ये देखिए मेरा नॉट। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त अमित कुमार लेके आया हूँ न्यू वीडियो। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जो है अब यहाँ से अंदर जाना है सीधा। ये थोड़ा गंदगी है, उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों को सीधा अंदर जाना है। फिर आपको डायरेक्ट अंदर आना है। सबसे पहले जो एकदम ABC कंप्यूटर लिखा है वहाँ पे आपको जो है चले आना है। दोस्तों आप लोग सोच ही रहे होंगे कि मैं यहाँ से मतलब यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि होलसेलर हैं दोस्तों ये जो हैं, जो भी सामान बेचते हैं वो होलसेल रेट के हिसाब से बेचते हैं। आपको इंदिरा भवन आना है। इंदिरा भवन आने के बाद पीछे चले जाना जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और उसके बाद आपको जो भी सामान यहाँ से लेना है ले लीजिएगा। और दोस्तों होलसेल रेट मिलेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं प्रयागराज का हूँ इसलिए मैं प्रयागराज वासियों को बता देता हूँ कि बहुत से लोग लूट लेते हैं, पता नहीं चलता है, मगर आप लोग अपने से ही अपना बचाव कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मोबाइल का कोई भी सामान चाहिए जैसे कि स्क्रीन वगैरह, और भी चीज़ हैं तो वो सागंज मार्केट में मिल जाता है। वो भी मैं एड्रेस आप कहेंगे तो मैं कमेंट में आप करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा वो कहाँ मिलता है। चलिए ये सब देख लिया जाता है। ये देखिए अभी मदरबोर्ड मेरे हाथ में है। ये क्या चीज़ है यार, कभी कभी तो समझ ही में नहीं आता क्या ले आके दे देते हैं। वैसे अभी फिक्स करेंगे तो ये सब बताते रहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूंगा ये है क्या चीज़। ये वाईफाई का है। वैसे दोस्तों अभी ये सब हमें दिखाया जा रहा है कि हमको क्या क्या मिला है और मैंने क्या क्या लिया है, तो देखिए ये सब दिखा रहा है। जेब्रॉनिक और लेपकेयर दोनों सेम ही सेम कंपनी होती है, मतलब 19-20 रहता है, कोई ख़राब नहीं है। लेपकेयर भी सही है, जेब्रॉनिक भी सही है, दोनों के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही सही है। अपने हिसाब से जो भी चलते हैं सही चलते हैं, कोई बेकार नहीं चलता। उसके बाद मैं आपको सब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जो मैंने लिया है, मतलब एक CPU में क्या क्या लगता है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए ये लैपटॉप का कीबोर्ड है, वैसे भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी परचेज़ किया जैसे कि ये स्पीकर है, ये मिलता नहीं है, ये मुझे अलग से लेना पड़ा है। बाकी सब असेंबल होने के लिए तो वो खुद ही रिकमेंड करते हैं कि आप ये चीज़ ले लीजिए, ये स्पीकर आपके हिसाब से आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए और लोगों के पास और अच्छा भी स्पीकर होता है, हम तो नॉर्मल ले रहे हैं क्योंकि अभी हमें काम चलाना है। जेबिस्टर भी दोस्तों ये जेब्रॉनिक का ही भाई बंधु है, ये दुकान वाले बता रहे थे तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ही है। बाकी आप इनके यहाँ देख ही सकते हैं लैपटॉप वगैरह का जो भी है सब कुछ इनके यहाँ मिल जाता है, कैमरा वगैरह भी मिल जाता है, और भी चीज़ें इनके यहाँ मिल जाती हैं। देखिए दोस्तों वेबकैम कैमरा है जिसको वेब कैमरा बोलते हैं। लैपटॉप में तो वैसे फिक्स आता है मगर डेस्कटॉप में आपको अलग से लगाना पड़ता है। ये ग्राफिक्स वगैरह है बहुत तगड़ा तगड़ा इनके पास है, आप गेमिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो तगड़ा रहेगा इनके यहाँ से लेना। इसको दोस्तों UPS बोलते हैं, बहुत से लोगों को मालूम होगा बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ। बाकी ये रेट देख सकते हैं, 18% GST मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको देना ही देना है। ये टोटल सिक्योरिटी जो है दोस्तों ये 3 PC के लिए है, जो कि ये महंगा है, 6000 कुछ रुपए का MRP है, मगर ये होलसेल रेट में आपको मिल जाएगा। 19-20 होता रहता है दोस्तों, कहीं से भी आप लेंगे 19-20 होता रहता है। ये देखिए एक PC के लिए है दोस्त, ये हमें बता रहे थे कि ये त्यौहार पे आपको कुछ एक्स्ट्रा भी चल जाएगा, जैसे कि 1 साल होने के बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा फेस्टिवल में भी चल जाएगा। ये इसकी MRP शायद 2000 समथिंग है प्लस, मगर 1200 के अंदर ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे।
और सस्ता महंगा हो सकता है। इनकी रेट दोस्तों कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, तो उसमें आप परेशान मत होइएगा। बाकी अब मैं आपको सबका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों उससे पहले ये देख लीजिए, ये जो सील टूट रहा है, ये जो सील टूट रहा है दोस्तों, ये सील टूटने के बाद आप देख भी रहे हैं तो आपको ये लेना ही लेना पड़ेगा। तो इससे पहले आप याद रखिएगा, कोई भी चीज़ लेने के बाद सील मत तोड़िएगा। आप हो सके तो दूर से देखिए, पूछ लीजिए, आपके हिसाब से है तो आप लीजिए, नहीं है तो देख भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर खोल के नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको ये परचेज़ करना पड़ जाएगा और दुकानदार की भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। वो कहेंगे आप ना खोले होते तो हम आपको जो है ना फोर्स करते, मगर आपने खोल दिया है तो इस वजह से आपको लेना पड़ेगा। ये वाईफाई कनेक्टर है दोस्तों, वैसे लैपटॉप में तो आपको ड्राइवर मिल जाएगा, मगर इसमें ड्राइवर मिलता नहीं है, ये आपको अलग से परचेस करके लगाना पड़ता है। ज़्यादा महंगा नहीं रहता है सब, आप बिल में आप एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं कितने का क्या है। वैसे ये देखिए वेबकैम कैमरा है, इसका भी आपको मैं खोल के दिखा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पीली कलर का पट्टी जो लगा हुआ है, इसको सील बोलते हैं, इसको आप तोड़ देते हैं तो आपको ये ख़रीदना पड़ेगा। वैसे तो हमने परचेस कर लिया है, तो इसको हम फाड़ के मतलब खोल के आपको दिखा देते हैं, फाड़ना नहीं चाहिए वैसे, सील आराम से तोड़िए। चलिए इसकी सील तोड़ दी जाए और उसको निकाल लिया जाए। बहुत छुप के बैठ रहा था, आज ये पकड़ गया है, अब इसको हम लोग देखेंगे कैसा है। ये देखिए कैमरा अच्छा है, मस्त है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, ब्लैक कलर का है, शाइनिंग भी कर रहा है। और इसमें देखिए ये दो केबल दे रहा है, एक USB केबल है और एक दूसरा जो केबल है दोस्तों वो माइक के लिए है, तो एक कैमरा है और दूसरा माइक के लिए है लीड। और देखिए ये मेरे पास जब मैंने लैपटॉप लिया था तो मुझे ये फ्री में मिला था, आज मुझे ये परचेस करना पड़ रहा है। ये क्वांटम का है और तकरीबन 400 तक के रेंज में मुझे मिल गया है, और इसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है। मैंने चलाया है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लगा। ये हैप्पी अनहैप्पी था, पता नहीं क्या है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है लुक इसका। इसमें एक अच्छी बात है दोस्तों, आपको इसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, आप इसको लगाइए और डायरेक्ट चलाइए। आ गया हमारा मॉनिटर। वैसे मेरे पास लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप शॉप पे पड़ा है और तीसरा मुझे लेना पड़ रहा है, तो मैं नॉर्मली सा ले लेता हूँ। इसमें आप गेम भी खेल सकते हैं। वैसे मैं इसको अपने ऑफिस वर्क के लिए ले रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें टीम टांगड़ा लगा नहीं रहा हूँ। वैसे जो भी रहेगा, इंटेल का i3 है 3rd जनरेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला के भी दिखाऊँगा, तगड़ा चलता है वो भी। देखिए दोस्तों ये मॉनिटर है, TFT नहीं है, याद रखिएगा, ये मॉनिटर है। और इसको दोस्त ये बता रहे थे कि जो है सही से पैक करना है, तो हमने कहा आप ही करिए। जैसे आपका पावर कट हो जाता है तो ये पूरा बहुत ही हेल्प करता है। वैसे इसकी 2 साल की वारंटी है, ये ब्लैक कलर का है और माइक्रोटेक का है, तो बढ़िया ही है। और इसके व्हाट्सएप नंबर भी है और एक नंबर है, जिससे आप इसको ख़राब होने पर आप इसको कॉल करेंगे तो वो खुद आके ये आपको जो है घर पे ही बना के चले जाएंगे, माइक्रोटेक वाले कहते हैं। वैसे भाई साहब ने भी कहा तो श्योर ही होगा। वैसे मैं नंबर दिखाने की कोशिश करूँगा, पहले आप UPS देख लीजिए, जिससे कि हम लोग कन्फर्म हो जाए कि हाँ हम ख़रीद ही रहे हैं, ऐसा ना हो आप सोचें कि जो है हम वीडियो बनाने गए हैं। तो आप देख लीजिए, वीडियो कोई बनाने नहीं देता है दोस्तों, हम सब परचेस कर रहे हैं, इस वजह से वीडियो बन रहा है। तो देख लीजिए ये नंबर है, लाइट पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब क्लियर हो जाएगा, इधर आओ भाई, अच्छा इधर घुमाओगे, चलो कोई बात नहीं। ये व्हाट्सएप नंबर है और नंबर भी है, आप नोट करके कभी भी बुला सकते हैं। अब अपने CPU को असेंबल किया जाएगा, जिसको मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा और फास्ट फॉरवर्ड दिखाऊंगा, जिससे कि आप परेशान न हो और आपको सब समझ में भी आ जाए क्या कैसे लग रहा है। चलिए दोस्तों सबसे पहले अपना पावर सप्लाई लगा दिया जाए। वैसे मैं लगा नहीं रहा हूँ, मैं बाकी आपको बता रहा हूँ क्या क्या इसमें लगेगा। पहले ये टीन का डिब्बा रहता है, फिर इसको जो है असेंबल करके पूरा चीज़ लगाया जाता है। अब देखिए मदरबोर्ड
खोला गया है। और ये क्या है, ये मुझे रैम लग रहा है, नहीं रैम नहीं है, ये पत्ती होती है जो इसमें लगती है, जिससे कि हर एक चीज़ मिल जाए, जैसे कि USB पावर का सप्लाई सब कुछ रहता है उसके लिए, जो है ये बनता है। ये हमारा जो है, पहले दोस्तों हार्ड ड्राइव यूज़ किया जाता था, मगर अब जो है SSD यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपका कंप्यूटर और भी फास्ट चले। तो ये हमारा 240 GB का है SSD, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं। चलिए, हमारा जो है ये अनबॉक्स हो चुका है मदरबोर्ड। हम अनबॉक्स कर नहीं पाए क्योंकि ये कह रहे थे हम ही करेंगे, ये सब जल्दी जल्दी कर देंगे असेंबल, तो आप लोग परेशान ना होइए। ये देखिए क्लिप खुला हुआ है, जिसमें हम अपना प्रोसेसर लगाएंगे, जैसे कि हम अपना इंटेल का प्रोसेसर लगा देते हैं i3 3rd generation। और ये रैम लग चुका है, रैम लगने के बाद आपको लगाना है इसको लगाना पड़ता है, ये हम लगा देते हैं। लगाने के बाद जो है आपको, अब हम अपना कूलिंग फैन लगा लेते हैं, इससे आपका प्रोसेसर जो है ठंडा रहेगा, जिससे कि आपको और अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। दोस्तों आपको सिर्फ दो ही चीज़ ध्यान देना है, आपको प्रोसेसर अच्छा वाला लेना है, i3 के जगह आप i5 i7 i9 ले सकते हैं, मगर हम सिर्फ i3 ही ले रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है, ज़्यादा गेमिंग वेमिंग करना नहीं है। तो i3 में आप थोड़ा बहुत गेम भी खेल सकते हैं, मतलब थोड़ा क्या बहुत खेल सकते हैं, बाकी ये आयर वायर है ये अपना सेट कर रहे हैं, हम लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ कहाँ सेट करना है। चलिए आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए आप कल असेंबल कर रहे हो तो इसको देख के कर सकते हैं। ये वायर का लफड़ा बहुत पेचीदा होता है, घूमता रहता है, इधर उधर घूम जाता है, पता नहीं चलता कहाँ कहाँ क्या घूम रहा है, कहाँ कैसे लग रहा है। भाई साहब थोड़ा जल्दी जल्दी लगाइए। अच्छा आप तेज़ी लगा रहे हैं, हम धीमे धीमे बोल रहे हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, आप लगाइए, हम सिर्फ अपना वीडियो बना रहे हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, गुस्सा भी मत होइएगा, क्योंकि हम थोड़ा मजाक कर रहे हैं। ये देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या फिक्स हो गया है, आप असेंबल कर रहे हैं तो इसको देख के कर सकते हैं। देखिए क्या लाल पीला नीला काला पीला सब लगा दिए तार इसमें। फिक्स करने के बाद मैंने देखा था दोस्तों, ये हार्ड रैम हमारा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, मतलब वो काम नहीं कर रहा था, तो इन्होंने चेंज करके तुरंत हमें जो है 4 GB की रैम दे दी। आप उससे ज़्यादा भी लगवा सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ ऑफिस वर्क करना है, तो 4 GB बहुत है, और SSD लगा है तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। बाकी मैंने इसको चला के देखा था, बहुत तगड़ा चल रहा था, कि हमारा टीन का डिब्बा CPU बन चुका है। पहले टीन का डब्बा रहता है, इसमें सब कुछ लगा के उसके CPU बना देते हैं। अब देखिए सब कुछ लग ही चुका है मेरे पास। सोच रहे होंगे कि 250 GB क्यों लिया मैंने, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक TV एक पड़ा है, 500 GB एक पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा इतना लेके। वैसे ये इंस्टॉल हो रहा है विंडो 10, तब तक आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। मैंने कट कर दिया दोस्तों, क्योंकि आपको टाइम न लगे, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और मिला, जो मैंने पहले ख़रीदा था HP 316 का इंक प्रिंटर मैंने ख़रीदा था, उसमें अभी ये हमको मिला नहीं है, ये एक दो दिन में मिल जाएगा। वैसे आप उस वीडियो को आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए वैसे मैं परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, बहुत तगड़ा चल रहा था, मैं ये अपने हाथ से चला रहा तो मुझे ऐसा लगा कि जादू हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, जादू हो रहा है, सब कुछ इतने अच्छा। माउस वाउस तो इतना तेज़ भाग रहा था, तो मैं खुद ही परेशान हो गया, देख रहा था हर चीज़ बहुत तेज़ वर्क कर रहा था, मुझे अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।